Welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the gene dissection. ठीक है, इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ जीन डाइसेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे जीन डाइसेक्शन और कैसे उसके पाथवेज को इजीली टैकल करके सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जीन डाइसेक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा. कुछ ट्रिक्स मैं बहुत आपको ट्रिक बताऊँगा कि इस ट्रिक से आप कैसे कितने ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए तो देखते हैं कि जीन डाइसेक्शन के बारे में बात करते हैं. तो जीन डाइसेक्शन सॉल्व करने के लिए जनरली पाथवेज आपको दिए जाते हैं और म्यूटेंट्स दिए जाते हैं कि उनको डाइसेक्ट किया जाता है. जैसे कि कोई भी एक जनरल पाथवे होता है, कोई भी एक जनरल पाथवे होगा किस फॉर्म में होगा कि ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, कुछ इस तरीके से पाथवे होगा. मान लीजिए इसमें जो म्यूटेंट है वो एम फोर है, एम थ्री है, एम टू है और ये एम वन है. कुछ इस तरीके से पाथवे होते हैं और इनको फिर एक टेबुलर अरेंजमेंट में लेके जाया जाता है और उनको सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है टेबुलर इन्फॉर्मेशन से कि आपको कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो देखने की कोशिश करिएगा. आपको बता दें कि जनरली जो इंटरमीडिएट दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पाथवे पूछा जाता है और दूसरा म्यूटेंट पूछा जाता है. म्यूटेंट का ऑर्डर, पाथवे का ऑर्डर और म्यूटेंट का ऑर्डर. पाथवे या इंटरमीडिएट के जो ऑर्डर होते हैं इनको सेलेक्ट करना होता है कॉलम. आपको क्या सेलेक्ट करना है? कॉलम सेलेक्ट करना है जनरली जिसमें दिया है कॉलम. और एक याद रखना है, हमेशा एक चीज़ याद रखना है, मैक्सिमम पॉजिटिव ऑन राइट साइड. ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव ऑन राइट साइड क्या हो जाएगा? MPR. मैक्सिमम पॉजिटिव जो होगा वो राइट साइड होगा. मैक्सिमम पॉजिटिव ऑन द राइट साइड. एंड फॉर द म्यूटेंट यू हैव टू कंसीडर द रो. एंड इन दिस केस मैक्सिमम पॉजिटिव उल्टा हो जाता है. द मैक्सिमम पॉजिटिव इन द केस ऑफ म्यूटेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव इन द लेफ्ट. जिस कोड की बात करेंगे MPL. ठीक है, MPL एंड द MPR. MPR फॉर द कॉलम, जिसको बोलेंगे कॉलम के लिए MPR होता है, दैट इज CMPR. अगर कोड की मैं बात करूँ, कोड याद रखिएगा, दैट इज CMPR. ठीक है, CMPR हो जाएगा और ये हो जाएगा RMPL. ठीक है, RMPL. So RMPL and the CMPR are the two codes you must use and you must know to solve the gene dissection problems in very easy way. ठीक है, कैसे करेंगे? देखिएगा, अगर कोई भी पाथवे है, ठीक है, कोई भी पाथवे, जस्ट सपोज दिस इज द पाथवे. ठीक है, ये आपका नॉर्मल पाथवे. अगर मैं बात करता हूँ इस नॉर्मल पाथवे में, एक पाथवे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए. ठीक है, देखने की कोशिश करिएगा. ए बी सी डी ई, ये इंटरमीडिएट्स हैं. ए बी सी डी ई, ए बी सी डी इंटरमीडिएट्स के बाद आपको क्या करना होगा? आपको म्यूटेंट्स निकालना होगा. म्यूटेंट्स निकालेंगे, देखने की कोशिश करिएगा. ठीक है, एम वन जो है इस तरीके से है. नाउ एम टू, नाउ ठीक है, एम थ्री, एंड दिस इज एम फोर. This is M4. तो अब इस पाथवे को एक इस तरीके से आपको दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कैसे आपको सॉल्व करना है. तो जब मैं इंटरमीडिएट पाथवे की बात करूँगा, when I will talk about the pathway, तो मैंने बताया कि आपको कोड एक बार फिर से बता रहा हूँ, CMPR. ठीक है, जब भी आपको क्या करना है कि CM के साथ प्रैंक कॉल करिए या अर्जुन रामपाल के साथ प्रैंक कॉल करिए, यही कोड आपका बनेगा. या तो प्रैंक कॉल करिए CM के साथ या अर्जुन रामपाल के साथ करिएगा. दैट इज CMPR का मतलब कॉलम में जाएंगे, पाथवे में कॉलम, और कॉलम में MPR, मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड, मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड. बट म्यूटेंट के केस में ये उल्टा हो जाएगा. इस एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, पाथवे में मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड और उसी के हिसाब से डिक्रीज करेंगे. मैक्सिमम पॉजिटिव कॉलम वाइज चलेंगे, यहाँ पे कॉलम वाइज चलेंगे. देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव कौन है, ये रहा मैक्सिमम पॉजिटिव, एक दो तीन चार कॉलम वाइज, क्योंकि पाथवे चल रहे हैं. ये कॉलम होता है और ये रो होता है. ठीक है, रो इस तरीके से होता है, कॉलम वर्टिकल, रो हॉरिजॉन्टल होता है. कॉलम वाइज चलेंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड, मतलब ए सबसे राइट साइड होगा. उससे कम पॉजिटिव किस में है? उससे कम पॉजिटिव है सी में, तो उससे पहले कौन आएगा? सी आएगा. सी से कम पॉजिटिव है डी में, कम पॉजिटिव के हिसाब से पीछे चलते चले जाइए, डी के बाद बी में,
कम पॉजिटिव बी में, फिर उससे कम सबसे कम पॉजिटिव है ई में। ये हो गया पाथवे आपका ई बी डी सी ई। अब म्यूटेंट कैसे होगा, देखिएगा म्यूटेंट कैसे करेंगे। अब म्यूटेंट में रो लेना है, म्यूटेंट में आपको क्या लेना है, रो मतलब हॉरिजॉन्टली। देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव कौन है, मैक्सिमम पॉजिटिव है एम फोर, यानी कि ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, मैक्सिमम पॉजिटिव लेफ्ट साइड, याद है रो मैक्सिमम पॉजिटिव लेफ्ट साइड, आर एम पी एल, आर एम पी एल फॉर द म्यूटेंट्स, म्यूटेंट के केस में ये कोड यूज करेंगे। एंड फॉर द पाथवे, फॉर द पाथवे कौन सा कोड यूज करेंगे, दैट इज सी एम पी आर, सी एम पी आर यूज करेंगे। ठीक है चलिए ग्रेट। तो अब ये सी एम पी आर आपने यूज कर लिया म्यूटेंट के केस में, मैक्सिमम पॉजिटिव लेफ्ट साइड, उससे कम पॉजिटिव किस में, एम थ्री में है, तो बी और डी के बीच में आ जाएगा एम थ्री, और उससे कम पॉजिटिव है एम टू में, तो बी इस ये एम टू हो जाएगा, और सी और ए के बीच में आ जाएगा एम वन, जो कि सबसे कम पॉजिटिव है। मतलब इस तरीके से अगर इस कोड को याद रखेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे आप क्वेश्चंस को। जैसे देखने की कोशिश करिएगा, कई सारे सी एस आई आर के क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ दिस क्वेश्चन। ठीक है एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए कि इन्होंने डिलीट किया, म्यूटेशंस कॉज किए और ये पाथवे दिखाया है आपको। पाथवे पूछा जा रहा है, पाथवे पूछा जा रहा है, पाथवे में क्या करेंगे, देखिए ये पाथवे पूछा जा रहा है, तो इंटरमीडिएट पाथवे में क्या कोड होना चाहिए, सी एम पी आर, यही कोड था सी एम पी आर कोड में, मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड, कॉलम वाइज चलेंगे, कॉलम वाइज मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड, कॉलम वाइज चलेंगे वर्टिकल, यानी कि सबसे ज़्यादा ये रहा सी और सबसे कम पॉजिटिव रहा डी में, ये डी और सी में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन मिलेगा दिस वन। और इसके अलावा भी देख लेते हैं, सी के बाद देखिए ए, सी के बाद ए आएगा और ए के बाद बी आएगा इस ऑर्डर में, क्या यही ऑर्डर है, डी बी ए सी, सी फिर ए फिर बी फिर डी, सी ए बी डी, दैट इज़ द ऑर्डर। क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना, बस अगर आपको याद हो कि कॉलम वाइज चलना है पाथवे के केस में, रो वाइज चलना है म्यूटेंट के केस में, और म्यूटेंट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि उल्टा कोड कर देना है, सी एम पी आर के जगह आपको आर एम पी एल यूज़ करना है, अर्जुन रामपाल। चलिए देखते हैं इस कोड को, देखने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन भी सी एस आई आर में पूछा गया है, इन्होंने फिर से पाथवे पूछा है, व्हाट इज़ द पाथवे, देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव, तो मैक्सिमम पॉजिटिव यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये राइट साइड प्रेजेंट होगा, सी एम पी आर मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड, कॉलम वाइज मैक्सिमम पॉजिटिव ई, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसके बाद इससे कम पॉजिटिव किस में है, डी में है, तो ई के बाद आना चाहिए डी, ये आपको दो कॉलम से ही आंसर निकल गया, दो कॉलम से आंसर निकल गया फोर्थ। ठीक है दो कॉलम से ही आंसर निकल गया फोर्थ। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, चलिए दिस क्वेश्चन, इसमें भी पाथवे पूछा हुआ है, पाथवे देखेंगे, मैं पाथवे जब पूछा है तो फिर से कोड सी एम पी आर, सी एम पी आर कॉलम वाइज मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड, मैक्सिमम पॉजिटिव क्या है ई है, देखिए चारों पॉजिटिव है, ई आपका होना चाहिए या तो ये या तो ये या तो ये हो सकता है, इससे बाद इससे कम पॉजिटिव किस में है, एफ में है, इससे कम पॉजिटिव है एफ में, ई के बाद एफ आना चाहिए, ये रहा एफ, डी विल बी द ऑप्शन, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल नहीं। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ दिस क्वेश्चन, ठीक है इसमें भी आपको पूछा गया है कि क्या होगा पाथवे, इस क्वेश्चन की पाथवे की बात करूँ, अगेन पाथवे पूछा है, सी एम पी आर, सी एम पी आर यूज़ करेंगे, कॉलम वाइज मैक्सिमम पॉजिटिव राइट साइड, मैक्सिमम पॉजिटिव सी है, मैक्सिमम पॉजिटिव सी है यानी ये हो सकता है, उससे कम पॉजिटिव बी है, सी के बाद आना चाहिए बी, दैट इज़ द फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से बहुत ही ट्रिकी वे में आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। एक कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये म्यूटेंट वाला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको म्यूटेंट को लाई कर देना है, म्यूटेंट को एक दूसरे के साथ लाई कराना है, एक के बाद एक जोड़ देना है। जैसे देखिएगा ये एम 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 आ रहा किस में आ रहा है, बी सी डी, ये एम एम हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, नो नो हो सकता है, बी सी डी, इसको ओवरलैप कराइए, क्या आ जाएगा सी डी, सी डी के बाद देखिए ये डी ई आ रहा है, ओवरलैप कराते जाइए, जो जो मिलता जा रहा है ई और ई ए, ई ए मिल रहा है, अब बी का हो जाएगा बी, दो सी का सी, डी का डी, ई का ई एंड ए का ए, ओवरलैप बस कराना होता है, म्यूटेंट के फ्रैगमेंट्स को ओवरलैप करा दीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बी सी डी ई ए, दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं गाइस फॉर द जीन डाइसेक्शन प्रॉब्लम्स।
ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स के लिए आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी पे जहाँ पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, और आप सर्च कर सकते हैं प्रोफाइल पे, और जाइएगा प्रोफाइल पे, वेरेंसिक सर्च करिएगा, प्रोफाइल देखिएगा, फ्री लेसन्स के फॉर्म में वीडियोस अपलोडेड है। एंड अनअकैडमी पे सबसे ज़्यादा लाइव मिनट्स लेने वाला CSIR कैटेगरी में मैं एजुकेटर हूँ, तो आप आइए अनअकैडमी पे, ज्वाइन करिए और पढ़िए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड दैट इज 10VIREN दैट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज।